इस्लामिया स्थानीय एजेंसी के अध्यक्ष हाजी असलम कुरैशी ने कहा कि हिंदुवादी संगठन ने जिस ताजमहल के उर्स को रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई है वह उर्स बादशाह शाहजहां का सन 1661-62 से लगातार चलता आ रहा है। मामला तो कुछ नहीं है वहाँ जी, कुछ जो हिंदुवादी संगठन जो है विरोध कर रहे हैं, जिनका विरोध भी बुनियाद है जी, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। शाहजहां का उर्स सन 1916 से वो 16 से हो रहा है ये, और कम से कम कुछ नहीं तो कुछ रही तो मैं समझता हूँ ये पुरानी बातों को उखेड़ कर और नई नई तरीके की बातें ला रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों में जो है इस तरीके से गहर नहीं घूरना चाहिए, जिससे जो है और लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़े। अब जो मुसलमान को हर मामले के अंदर जो है आ रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, मगर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो हमें उनको तो हमारी खुद सुरक्षा करना चाहिए भाई। हम जो है आप लोग हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है इस देश की ताकत बनेंगे, इस देश का विकास होगा, इस देश की उन्नति होगी, मगर इन चीज़ों से जो है इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं ये, हिंदू मुसलमान को लड़ा के जो है ये अच्छा नहीं कर रहे ये, कई छोटी छोटी बातों पे कभी जो है ज्ञान बाबरी का मस्जिद का, कई मथुरा वाली का, कभी किसी का, कभी जमा मस्जिद का, कोई ना कोई मामला उखाड़ के ला रहा है ये मैं समझता हूँ बेबुनियाद बात है। आने वाले टाइम पे इन बातों से क्या पीढ़ियों तक पहुँचेगी, क्या होगा? आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो ये कहेंगे साहब फला राजा ने हमारे साथ ये किया, फला राजा ने इस बात करी, मगर जो है इनको खुद सोचना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। इनको सोच समझ कर जो है एकजुट होकर सबको भाईचारे के अंदर मिलाकर और सबको जो रखना चाहिए, एक ही जो है सबको एक ही चादर के अंदर सबको लपेट के रहना चाहिए, कहने का मतलब है।